आज 25 तारीख, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। और आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया होगा। तो गाइस, आज है मेरी दीदी का बर्थडे भी, 25 दिसंबर को मेरी दीदी का बर्थडे भी आता है। और मम्मी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो मम्मी भी भाई ब्लैक ब्लैक चश्मा लगा। हमारी मौसी अभी मेकअप किया जस्ट। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास आज आ चुके हैं ब्रेड पकौड़ा, जो कि ब्रेड में ब्रेड तो है पर पकौड़ा नहीं पता भाई, इसमें पकौड़ा कहाँ है। ऐसा होता नहीं कि हम लोग कुछ यूनिक करें, और यूनिक के चक्कर में हम लोग ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहे। और अब भाई साहब संतरे संतरे भाई, इस पे देखो भाई, पूरे संतरे संतरे बच्चों। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई, सुबह से तो नहीं हो रहा है, दोपहर हो चुकी है और काफी अच्छा टाइम हो गया, मतलब 12-1 तो बजी गए। तो अभी जस्ट मैं नहा के आया भाई, कपड़े चेंज कर लिए, बाल वाल मस्त सेट कर लिए। तो आज का थोड़ा सीन मैं बता देता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ खटीमा मम्मी जी के पास, क्योंकि वहाँ पर जो मेरी भांजी है ना, दीदी की लड़की, उनकी भाई तबीयत खराब हो चुकी है, तो मेरे को उनको देखने जाना है। तो बाकी मम्मी मौसी लोग से भी मिलके आएंगे। बाकी आज घर में कौन कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी दादी जो कि अभी आराम कर रही है, चाचा फोन चला रहे हैं, पापा लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस, खटीमा जाने से पहले अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, अभी मैं चिकन के पकौड़े वगैरह बनाने वाला हूँ, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पकौड़े कैसे बनते हैं, और टेस्ट भी करेंगे। आप लोग तो खा नहीं सकते, बट इन फ्यूचर कभी आप लोग मिलोगे तो जरूर मैं आपको खिलाऊंगा। और जो जो लोग भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, 4000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 100 सब्सक्राइबर समथिंग बचे हैं, वो जल्दी से कंप्लीट करा दो। तो गाइस चलो चलते हैं और बनाते हैं चिकन की पकौड़ी, मतलब पकौड़े बनाते हैं और खाते हैं, फिर निकलते हैं खटीमा के लिए। बाकी का सीन मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लोग ये अपना आ गया चिकन, अभी इसको मैरिनेट करेंगे, इस पे अरारोट और मैदा डालेंगे, फिर गाइस मसाले डालेंगे, जितना हमें चाहिए मसाला, नमक मिर्ची जितना कुछ भी डाल सकते हो उतना कुछ ऐड कर लो भाई। फूड कलर डालना चाहते हो फूड कलर भी डाल दो, हमने फूड कलर भी डाल दिया। देखो भाई ये डाल दिया धनिया पाउडर, ये देखो गाइस हमारा मीट मसाला भी आ गया, तो अभी मीट मसाला को डाल देते हैं। तो गाइज मैंने पूरी रेसिपी बता दी इस चिकन के पकौड़े की, जो जो लोग को भी आइडिया होगा वो लोग बना लेते होंगे, बट मैं तो बस यही चीजें डालता हूँ और खा लेता हूँ। तो अभी कोई बैड कमेंट मत करना भाई, पूरा मैरिनेट हो चुका देखो भाई मस्त। तो गाइज अभी हमारे पकौड़े पूरे रेडी हो चुके हैं, ये देखो भाई पूरे क्रिस्पी हो गए देखो भाई। चल चल हेलमेट का। तो गाइज सेफ्टी बहुत जरूरी भाई, आप लोग भी जिधर पे भी जाया करो ना हेलमेट लेके जाया करो भाई। तो गाइस अभी जस्ट मैं खटीमा पहुंच गया हूं, और दीदी को मैंने दे दिया वो पकोड़े अनाया के लिए, और उन्हें पूरा चपट के रख लिया, किसी को खिलाया भी नहीं। ओ भाई मुंह की छुपारी तो मुंह नहीं धुला, अच्छा खा रही है। चल ले भाई नहीं दिखा दो भाई, अभी जस्ट मैंने दिया, अभी सीधे वो खाने को लग गई। और यहाँ पर मम्मी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो मम्मी भी भाई ब्लैक ब्लैक चश्मा लगा के तो मम्मी मिली ही नहीं थी। मम्मी गाइस खटीमा में ही रहती हैं, क्योंकि यहीं पर ही रहती ना, ऑपरेशन यहीं पे ही हुआ था। तो और ये दीदी देखो फोन में लगी हुई है, सभी लोग यहीं पे बैठे हुए, देखो रजाई वजाई लगा के। हाँ तो लो मम्मी तुम ही ब्लॉगर बन जाओ ना। चलो गाइस और दिखाता हूँ और लोगों को। तो गाइस ये देखो, ये दीदी अंडे चावल खा रही हैं, और ये देखो ये भी अंडे चावल खा रही हैं, और ये हमारी मौसी अभी मेकअप किया जस्ट। तो गाइस अभी यहाँ पर लोगों का खाना पीना चल रहा है, और मैं भी अभी खाऊंगा, क्या है भाई मेरे लिए। आज छोले बने हैं, आज गाइस खाने में छोले हैं, वो अंडे हैं, छोले ही भाई इनने थोड़े से बचाए, सारे भर लिए अपनी थाली पे, थोड़े से ही बचाए यार, चावल है और अंडे तो है ही नहीं भाई सब्जी में। अंडे है ही नहीं, सारे अंडे ले लिए, सारा दीदी ने खा दिया। चलो कोई नहीं, हम बिना अंडे वाला खा लेंगे। अच्छा चले फिर मार्केट घूमने, मेला क्यों नहीं गए रे तुम लोग आज? पता है गाइस मैं मेला गया था ना, मेले में भाई एक भी भीड़ नहीं, और झूले तो एक भी है ही नहीं, और बिल्कुल गंदा सा मेला है। आप भी मत जाना भाई वहाँ पर, खाली शॉपिंग करने वाले जाएं, वो क्या कहते हैं कढ़ाई वगैरह लेने वाले जाएं, छोटे छोटे सामान लेने वाले जाएं, और अदर लोग जो घूमने जाते हैं वो लोग मत जाना भाई। गाइस अभी मैं खाना खा लेता हूँ, छोले चावल और सब्जी, खाना खाने के बाद मिलता है। तो गाइस अभी खाना भी खा लिया मस्त पेट भर के, अब अच्छा लगा भाई, अब जान में जान आई। तो पहले तो ये बताओ अनाया गई कहाँ है? अनाया तबीयत खराब भाई, वो यहाँ पे आई नहीं है, वो घर पे ही है। मेरे को लगा वो यहाँ पे होंगी तो मैं आप लोगों को भी मिलाता हूँ उनसे, बट वो घर पे, उनको ही देखने तो आया था मैं, वो अपने घर पे ही है। चलो फिलहाल चलते हैं, सभी लोगों से मिल लिया मस्त, खाना भी खा लिया है। और अब भाई साहब संतरे संतरे भाई, इस पे देखो भाई पूरे संतरे संतरे बच्चों को बांटने के लिए मस्त।
वहीं से ढक देते हैं। पूरी पेटियों में संतरे संतरे हैं भाई। ये गाइस ये देखो, ये दूध की पेटी इतनी सारी देखो भाई। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये बिस्किट है भाई। ये देखो, ये अंडे हैं बच्चों के लिए। तो गाइस अभी सभी लोगों से मैंने मिल लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। घर पे पहुँच के सीधे तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं घर पे तो पहुँच गया हूँ और भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग गया। मैंने आके शर्ट चढ़ा ली क्योंकि भाई देखने में तो गर्मी है बट जब रास्ते में हम लोग बाइक वगैरह चला रहे हैं ना तो ठंड लग रही है खतरनाक वाली। तो गाइस ये है अगला दिन और अगले दिन हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं बिकॉज आज 25 तारीख। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे और आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया होगा। तो गाइस आज है मेरी दीदी का बर्थडे भी, 25 दिसंबर को मेरी दीदी का बर्थडे भी आता है। बट उससे पहले मेरी दीदी ने आज दिन में सेलिब्रेट भी कर लिया, मतलब अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं ना। तो पापा गए थे खटीमा, वहीं पर ही उन लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया था, मम्मी पापा मौसी लोग ना सब लोग। तो उन्होंने मेरे को ये सरप्राइज़ भेजा भाई, और उसमें पता हूँ क्या है, उसमें भाई उनने केक भेजा और वो भी इतना सा केक। तो मैं उसे अभी फ़ोन में विश करने वाला हूँ, अभी तक मैंने उसे विश नहीं किया, मैसेज में कर दिया था। बट अभी मैं उसे वीडियो कॉल करता हूँ और उसको ये वाला सरप्राइज़ दिखाता हूँ कि भाई तुमने मेरे को ये भेजा इतना सा। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, प्लीज़ बने रहे हमारे ब्लॉग में। बाकी अभी पापा वाला फ़ोन है, उनसे वीडियो कॉल करते हैं, उठाती है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं है, हम नॉर्मल कॉल में बात कर लेंगे। पहले देखते हैं वीडियो कॉल हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग भी देख लोगे कि आज के दिन वो कैसी बनी हुई है। तो मैंने फ़ोन लगा दिया भाई और आई थिंक सो कि वो फ़ोन उठा लें कि मैं उन्हें दिखा पाऊँ कि ये सरप्राइज़ था भाई। नहीं उठा दिया, नहीं उठा भाई, नहीं उठा। एक बार दोबारा ट्राई कर रहा हूँ भाई। हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई तुमने तुमने मेरे लिए क्या भेजा भाई, इतना सा केक भेजा तुमने मेरे लिए। अबे इतना सा, अबे इतना सा केक कौन भेजा? सुनो फोन पकड़िए, इनको दिखाओ। तो भाई इनने मेरे को ये छोटा सा केक भेजा भाई, इतना सा केक कौन भेजता भाई? अबे इतना सा केक गले में लगा। गिफ्ट गिफ्ट भाई पहले मांग ले रही है, ये इतना सा कौन खाएगा? अना यार ये। चलो भाई उधर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी नॉर्मल कॉल में बात करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देखो रे बड़ा एक्सपेंसिव है यार दीदी। वो घड़ी मैंने दी है 7,000, 7,500 की घड़ी है वो। हाँ 7,500 की भाई, 7,499 की। अब मेरी दूसरी बहन लड़ने लगी भाई। कोई बात नहीं, तुमको भी दे देंगे बाद में। वो कह रही है ना उनको कुछ नहीं दिया, उनको बोल रहा हूँ कि बाद में तुमको भी दे देंगे। ठीक है ठीक है, वहां पे भाई ट्रेन आई। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। गाइस मैंने अभी दीदी से बात कर ली, वो अभी खटीमा में थी, मतलब रेलवे जो फाटक होता है उस क्रॉसिंग में वो खड़ी थी, तो वहां पे शोर हो रहा था, तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ ठीक है, केक भेज जाता भाई, पर मेरे को एक चीज वो लगा कि दीदी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो भाई पन्नी में तो मत भेजते यार, कुछ और में भेज देते मेरे को। चलो कोई नहीं, सोनू ने तो भकाभक खा दिया भाई। अभी मेरी बारी, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। मैं सोनू पकड़ी दीदी को हैप्पी बर्थडे बोल देते। चलो चलो दीदी के लिए मैंने केक कट कर दिया भाई। ठीक है हैप्पी बर्थडे दी अगेन, और मैं ये खा ले रहा हूँ, पहले तुम खा लो, तुमने तो खा लिया होगा भाई, मैं खा लेता हूँ। और गाइस आज हमारे साथ देखो सोनू भी है इतने टाइम के बाद। कैसा लग रहा हूँ दोस्तों? चूतिया। नहा धो के आए हूँ मस्त भाई, केक टेस्टी हो रहा भाई, पर इन्हें थोड़ा सा भेजा आप, ये बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं गाइस यार, अब बैक टू बैक मैं ब्लॉग डालूंगा, और जो डेली घर का रूटीन है अगर वो आप लोग देखना चाहते हो, जो मैं डेली घर पे करता हूँ, खाना पीना, यहाँ जाना वहाँ जाना, छोटी छोटी चीज़ें दिखाना, तो वो मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर अगले दिन से मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और बाकी कुछ स्पेशल डे ऐसा होता नहीं कि हम लोग कुछ यूनिक करें, और यूनिक के चक्कर में हम लोग ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम सोचते हैं ना कुछ यूनिक करें, क्यों कुछ यूनिक कंटेंट मिले, तो वो चीज़ ऐसा हर रोज़ पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग ब्लॉग कम कम डाल लेते। बट अगर आप लोग को डेली लाइफ देखनी है मेरी, जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और वो हम दिखाएंगे फिर जो हमारी रोज़ की मस्ती है। करें गाइस वीडियो बिल्कुल। वैसे एक रीज़न है मैं डेली ब्लॉग इसीलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि घर पे मैं अकेला ही रहता हूँ, पापा होते हैं, मैं होता हूँ, हम लोग काम में बिजी रहते हैं, हमारी शॉप है ना,
तो हम उन पर बिजी रहते हैं, तो ये चक्कर है, इसीलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। बाकी अगर आप लोग डेली ब्लॉग देखना चाहते हो तो मैं बनाऊँगा, अपने घर के डेली रूटीन बनाऊँगा जो मैं करता हूँ, तो ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करते हैं, बट इसी रीज़न से हमारे ब्लॉग नहीं आते। बाकी फ़िलहाल आज क्रिसमस डे है, आज मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ, और देखते हैं आज आप लोग कितने सारे लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होगे, तो सभी लोग मस्त सेलिब्रेट करो भाई, और सभी लोग के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, और मतलब भाई मतलब दीदी का बर्थडे, तो तुम लोग आज मतलब मस्त पार्टी भी कर रहे हो भाई, देख रहे हो भाई। यहाँ पर हमारे पास आज आ चुके हैं ब्रेड पकौड़ा, जो कि ब्रेड में ब्रेड तो है पर पकौड़ा नहीं पता भाई इसमें पकौड़ा कहाँ है। ये भाई किसान का वो है, ये इसका वो है, क्या कहते हैं ब्रेड पकौड़ा, जिसको भाई पोलियो हो गया है, नहीं यार अंदर है पर ठंडे हो गए हैं, गर्म कर लेते हैं पहले। सोनू तुम कर दियो, खाओगे ना? ना यार खाऊंगा। तो गाइस मस्त लग रहे हैं, टेस्टी हो रहा है, हवा में कर लेना भैया, पर ये ऊपर इसकी लेयर बहुत कम चढ़ाई गई है, पर ठीक है टेस्टी है, अंदर आलू भरपूर है। तो ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग कमेंट कर देना डेली व्लॉग चाहिए तो। गाइस पहले खा लो फिर व्लॉगिंग करना, बेइज्जती कर रहा। हां गाइस तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना। मैं देखो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी अपनी बहनों के पास, ये देखो ये चली जा चुकी है, और एक और ये क्या कर रही है बहन तू?